Hello everyone. So let us continue with the capital budgeting that we have been discussing. So now we are moving to a very, very important part of capital budgeting, right? From where the maximum number of questions are expected in the examination, right? So whatever we are going to discuss now is very, very important for the capital budgeting. जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली आएगा कैपिटल बजटिंग में से 8 मार्क्स 10 मार्क्स 15 16 16 मार्क्स तक का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है कैपिटल बजटिंग में से. ठीक है, सो डोंट मिस आउट ऑन दिस चैप्टर. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. नाउ तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. नाउ इन द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास ब्रॉडली दो तरह की टेक्निक्स होती हैं. कौन कौन सी? एक हमारे पास है ट्रेडिशनल, ठीक है, और दूसरी मेरे पास क्या है? डिस्काउंटेड टेक्निक्स. और ट्रेडिशनल में मेरे पास दो तरह की थी, कौन सी? ARR एंड पे बैक पीरियड. तो हम लोगों ने ये ARR भी कर ली, हम लोगों ने पे बैक पीरियड भी कर ली. इसका मतलब है कि हमारा ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स का जो एक सेक्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं था. हमने सिर्फ एक क्या किया था, हमने कहा था कैश फ्लोज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी हम कैपिटल बस्टिंग की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं? हम लोग कैश फ्लोज की बात करते हैं, ना कि नेट प्रॉफिट की बात करते हैं. लेकिन जब ARR की बात की थी तो ARR में हमने किसकी बात की थी? नेट प्रॉफिट की. जब पे बैक पीरियड किया, यहाँ पर हमने किसकी बात की? यहाँ पर हमने कैश फ्लोज की बात की थी. तो हमने कैश फ्लोज की डिस्कशन की थी डिटेल में कि कैश फ्लोज क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है कैश फ्लोज की, उसमें डेप्रिसिएशन का क्या रोल है, टैक्स को कैसे सेव करती है डेप्रिसिएशन. तो वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था. अब वो सारा कुछ काम आएगा हमारा कहाँ पर? ये डिस्काउंटेड पार्ट में जाकर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्काउंटेड टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. सो द फर्स्ट डिस्काउंटेड टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. अभी हमने लास्ट लेक्चर में पे बैक पीरियड किया. अब उसी से रिलेटेड हमारे पास सिंपल पे बैक पीरियड तो थी मेरे पास ट्रेडिशनल टेक्निक. ठीक है, अब उसको मैंने कहा डिस्काउंट वर्ड आगे लगा दिया, मैंने कहा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, तो वो मेरी क्या बन गई? डिस्काउंटेड टेक्निक बन गई. अब वो ट्रेडिशनल टेक्निक नहीं रही. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. दैट व्हाट वी अंडरस्टैंड विद दिस टर्म डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. अब पे बैक पीरियड से आपको एक चीज क्लियर है कि सर जब पे बैक पीरियड की बात की थी तो हमने पे बैक पीरियड में क्या कहा था कि जो हमारे इनिशियल कैश आउटफ्लो हैं वो हमारे कितने साल में या कितने पीरियड में हमें रिकवर होंगे फ्रॉम द कैश इनफ्लोज. रिकवर कहां से होंगे? कैश इनफ्लो से. हमने आइडेंटिफाई क्या करना था कि कितने साल में रिकवर होगा वो पैसा जो हमने इनिशियली पैसा लगाया है किसी इन्वेस्टमेंट में, तो हम उससे उस इन्वेस्टमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा देकर जाएगी, कैश इनफ्लोज देकर जाएगी, और उस कैश इनफ्लोज से हमारे कैश आउटफ्लोज कितने पीरियड में हम लोग रिकवर कर लेंगे. तो हमने यही चीज़ डिस्कस की थी पे बैक पीरियड में. अब जो साथ में वर्ड लगा है दैट इज़ डिस्काउंटेड. अब इसका क्या मतलब है? इसके लिए एक टर्म समझो पहले. इसके लिए एक टर्म आती है मेरे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज. ठीक है जी, तो ये टर्म क्या है सर, इसका क्या मीनिंग है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का? मैं बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल लूंगा. आप वेजिटेबल मार्केट गए, ठीक है, यू गो टू अ वेजिटेबल मार्केट. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, लेकिन मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा. क्या आप लोग वेजिटेबल मार्केट गए? आपने वेजिटेबल मार्केट में जाकर पोटैटोज लेने हैं आपने,
ठीक है, पोटैटोज आप किस में लेते हो, केजी में लेते हो, क्लियर। तो अब जब आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये कर मत लेना वेजिटेबल मार्केट में जाकर, एक बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। जब आप वेजिटेबल मार्केट में गए तो वहां जाकर आपने क्या किया, आपने जो वेंडर था आपका, वेजिटेबल वेंडर था जिससे आपने लेनी थी वेजिटेबल्स, उससे आपने पूछा कि मुझे ये बताओ कि एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, पोटैटोज का रेट क्या होगा। वो कहता जी मैं एक साल बाद कैसे बता दूं। आपने इंसिस्ट किया, नहीं, आप गैस करो कि एक साल बाद क्या होगा। चलो, उसने, वो कहता जी ₹30 पर केजी, ठीक है, उसने एक अप्रॉक्सीमेशन दे दी। वो कहता जी ₹30 पर किलो रेट हो सकता है अगले साल में, अगले साल तक, ठीक है। तो आपने जो चीज़ उससे पूछी थी, आपने क्या पूछा था कि एक साल के बाद ये जो पोटैटोज है इनका पर केजी रेट क्या होगा। उसने कहा, पहले तो उसने बड़ा वो हैरान परेशान हुआ, वो कहता जी मैं कैसे बता सकता हूँ अगले साल का। आपने कहा नहीं, मुझे तो पता करना है, बताओ। उसने कहा चलो मान लो ₹30 किलो है, तो आपने कहा आज का रेट क्या है, टुडेज रेट। वो कहता जी आज ₹20 पर केजी है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि सर एक साल के बाद जो चीज आपको ₹30 की मिलेगी, एक साल के बाद जो चीज आपको 1 केजी पोटैटो ₹30 के मिलेंगे, उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है। आज की डेट में उसकी वैल्यू है ₹20। तो मतलब ये ₹30 जो है इसकी आज की डेट की वैल्यू है ₹20। समझ रहे हो, अगर 1 किलो पोटैटो आप आज लोगे तो ₹20 एक्सपेंडिचर करोगे, और एक साल बाद लोगे तो ₹30 का एक्सपेंडिचर करोगे, क्लियर। तो मतलब उसकी आज की डेट की वैल्यू क्या है, आज की डेट की वैल्यू है ₹20, ठीक है। और एक साल बाद ये ₹30 क्यों लिया उसने, एक साल बाद उसने ₹30 क्यों लिया। आज अगर ₹20 है तो वो ₹18, ₹15 क्यों नहीं कहा उसने, उसने ₹10 क्यों नहीं कहा। क्योंकि एक जनरल सी हमारी टेंडेंसी है कि हम लेकर चलते हैं कि अगर अगले साल तक हम जाएंगे तो अगले साल में हम हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट इन्फ्लेशन का लेकर चलते हैं। हम ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगी, चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, सर्विसेज महंगी होगी, गुड्स महंगे होंगे, तो हम एक इन्फ्लेशन की परसेंटेज लेकर चलते हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसलिए उसने अगले साल थोड़ा बढ़ाकर कहा, ना कि कम करके कहा। वो भी होशियार था, उसको इन्फ्लेशन का कुछ नहीं पता, उसने फिर भी बढ़ाकर कहा, ठीक है। अब ये आप समझ सकते हो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि उसने क्या किया, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है, जब आप किसी फ्यूचर वैल्यू की, किसी फ्यूचर अमाउंट की आप आज की वैल्यू निकालते हो, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग क्या है कि किसी भी फ्यूचर चीज की, किसी भी फ्यूचर जो आपकी अमाउंट है उसकी आज की वैल्यू निकालना। तो इसको लिख लो, अगर हम टर्म की बात करें किसकी, डिस्काउंटिंग की, तो डिस्काउंटिंग क्या है मेरे पास, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट, सो दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग। जब कैश फ्लोज की बात करते हैं तो हम कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करते हैं, कैसे करते हैं। अब पे बैक पीरियड की बात करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पे बैक पीरियड किया। अब पे बैक पीरियड में हमने क्या कहा था कि सपोज हमारा 10 लाख का एक्सपेंडिचर है। अब हमने कहा कि ये 10 लाख क्या है, आउटफ्लो है मेरा। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि पे बैक पीरियड में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो 10 लाख रुपए हैं मैं कितने साल में रिकवर करूंगा। मैंने कहा 5 साल में हो जाएंगे, कैसे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। तो ये 5 साल में मेरे जो कैश इनफ्लोज हैं, मैंने कहा 2-2 लाख के कैश इनफ्लोज होंगे, 2 लाख यहाँ होगा, 2 लाख यहाँ होगा, हर साल मेरे 2-2 लाख के कैश इनफ्लोज होंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, पे बैक पीरियड में हमने यही किया था। अभी हम इक्वल मान के चल रहे हैं, तो अनइक्वल कैसे करने हैं तो वो आपको अब पता है कि वो हमने जैसे किया था पे बैक पीरियड में, राइट।
तो मैंने कहा कि कैश इनफ्लोज होंगे 2-2 लाख के, लेकिन अब अगर डिस्काउंटिंग टेक्निक लगाएं, आप जीरो पीरियड पे हो, आप यहां पर खड़े हो, आप जीरो पीरियड पे खड़े हो जहां पे आपने आउटफ्लो किया है, ठीक है, आप जीरो पीरियड पे खड़े हो जहां पे आपने आउटफ्लो किया है। अब एक साल के बाद आपने कहा कि एक साल के बाद मैं 2 लाख रुपए कमा लूंगा, मेरे 2 लाख का कैश इनफ्लो होगा, ठीक है, आपने यही वर्ड कहा ना, आपने कहा जी एक साल के बाद मेरे पास 2 लाख का कैश इनफ्लो होगा। लेकिन आपने अब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कहा, आपने कहा जी मुझे ये बताओ, आपने एक साल बाद का 2 लाख का कैश इनफ्लो होगा, उस 2 लाख की आज की डेट में क्या वैल्यू है मुझे वो बताओ, क्योंकि मैंने तो आज का फायदा देखना है कि आज मुझे अगर मैं कैश इनफ्लो करूं, अगर मुझे सारा के सारा कैश इनफ्लो आ जाओ तो मुझे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे आज की डेट में एनालाइज करना है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो 2 लाख था इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इस 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस। अब अगर ईयर 2 की बात करें तो ईयर 2 में भी उसने कहा 2 लाख होगा, मैंने कहा 2 लाख होगा मान लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि जो कल का, जो 2 साल बाद का 2 लाख है उसकी आज भी वैल्यू 2 लाख रहेगी। मैंने अभी समझाया कि 30 रुपए की, अगर 1 साल बाद वो 30 रुपए है तो उसकी आज की रेट में वैल्यू कितनी है, 20 रुपीज, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 साल बाद उस चीज की वैल्यू 2 लाख रुपए है तो उसकी आज की डेट की वैल्यू बताओ मुझे, अगर 3 साल बाद 2 लाख है मुझे आज की डेट की वैल्यू बताओ, 4 साल बाद है मुझे आज की डेट की वैल्यू बताओ। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्काउंटिंग, और जब ये प्रोसेस करते हैं तो हम इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, जब हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं। अब बात आती है कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है निकालनी कैसे है, पॉइंट क्या आता है कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने निकालनी कैसे है, ठीक है। अब इस प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमारे पास होता है एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको एग्जाम में ये दिया जाएगा, ये कैलकुलेट नहीं करना होगा आपको, ठीक है। जैसे कि उसने कहेगा ईयर 1 पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.909, ये मैथमेटिकल फैक्टर्स हैं। ईयर 2 पे इसका है 0.826, ईयर 3 पे है 0.751। ये वैल्यूज़ हैं, कुछ निकाली गई हैं कि अगर एक साल बाद की हम किसी चीज़ की वैल्यू आज की डेट में निकालना चाहें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा 2 लाख रुपये, ठीक है, मैंने कहा 1 रुपये अगर मैं कल की डेट का लूँ तो आज की डेट का वो 0.909 होगा, ठीक है। अगर 1 रुपया मैं 2 साल बाद का लूँ तो उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या होगी, 0.826, राइट। तो 2 लाख लूँ तो क्या होगा, 2 लाख × 0.909। अब ये फिगर्स आई कैसे हैं, क्या ये फिगर्स हमेशा यही कॉन्स्टेंट रहती हैं, क्या ये फिगर्स हमेशा कॉन्स्टेंट रहती हैं? नहीं सर, ये फिगर्स हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रहती, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके एक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। दिस फिगर्स विल डिपेंड अपॉन डिस्काउंट रेट। अब ये डिस्काउंट रेट क्या है, ये डिस्काउंट रेट हम लोग यूज करते हैं यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, आपको दिया होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 10%, तो इसका मतलब है 10% ही डिस्काउंट रेट आपने यूज करना है, ये 10% की आपको वैल्यूज दी गई हैं। सर अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, 10%, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर हमने किया नहीं, तो बड़ी सिंपल सी एक बात कहूंगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है जो आपने पैसा लगाया, कॉस्ट क्या है कि अगर वो पैसा बिजनेस में ना लगाकर कहीं और लगाते तो कितना कमाते, ठीक है। तो दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि आपको वो कैपिटल बिजनेस में लगाने की क्या खर्चा पड़ रहा है, क्या कॉस्ट पड़ रही है, मैंने कहा 10%, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में कहा कि अगर आपने अपना पैसा बिजनेस में ना लगाकर बैंक में डिपॉजिट कराया होता तो आप 10% कमा रहे होते वहां से,
अब वो 10% गवा रहे हो आप, क्योंकि आपने बिजनेस में लगा दिया, आपने बैंक में नहीं डाला, तो दैट 10% इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो मैंने कहा आज जो चीज या एक साल बाद जो चीज 10% पे है, उसकी एक साल बाद की वैल्यू कुछ और होगी और आज की वैल्यू कुछ और होगी, तो उसको उसी को हम लेते हैं डिस्काउंट फैक्टर। तो 10% की अगर बात करें तो 10% की वैल्यूज डिस्काउंट फैक्टर ये हैं कि ईयर वन पे एक साल बाद क्या होगा कि अगर एक साल बाद मेरे पास एक रुपया है तो उसकी आज की डेट में वैल्यू मेरे पास क्या है 0.909। ठीक है, एक साल बाद जो मेरे पास एक रुपया है उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है 0.909। सो दिस इज द डिस्काउंट फैक्टर, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज व्हेन वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग क्या है, फ्यूचर अमाउंट को हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, कैश फ्लोज। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लोज क्या है, समझ में आया। अब ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि यही ये जो है अब हमारे आने वाले हर उसमें यूज होंगे। इसके बाद हम एनपीवी टेक्निक करेंगे, उसमें भी यूज होंगे, ये तो भी बहुत सिंपल था। अब इसमें करना क्या है, जब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की बात करते हैं तो हमें करना क्या है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में हमने ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा जो आपने पे बैक पीरियड में किया था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि सोच क्या है, सोच हमारी वही है, सोच तो वही है ना कि हमने जो पैसा इनिशियली कैश आउटफ्लो हुआ था उसको कितने साल में रिकवर करना है, सोच तो वही है ना हमारी, तो सोच के साथ फॉर्मूला वही रहेगा। फर्क कहां पे आएगा, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, ठीक है जी, फिर आप इसका क्यूमुलेटिव करते थे, अनइक्वल की बात कर रहा हूं, जहां पर इक्वल कैश फ्लोज नहीं है उसकी बात कर रहा हूं, CFAT निकालते थे, ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालते थे, क्यूमुलेटिव CFAT निकालते थे, फिर आपको फॉर्मूला पता ही है कि कौन से साल तक रिकवरी हो रही है प्लस कौन से साल की, और वो कैसे लेना है वो आपको सब फॉर्मूला पता है, लास्ट लेक्चर आपने किया है। ठीक है, अगर नहीं किया तो लास्ट लेक्चर पहले अच्छे से समझो, लास्ट टू लास्ट लेक्चर भी, और लास्ट लेक्चर भी जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की थी हम लोगों ने, क्लियर। अब इसमें फर्क कहां पर आएगा, अब क्या किया हमने, जो ये जो CFAT था इसकी हमने कर दी सर डिस्काउंटिंग, तो फर्क कहां पर आएगा, फर्क सिर्फ यहीं पर आएगा कि बीच में अब आपको लेने हैं डिस्काउंटेड सी एफ ए टी का मतलब क्या आएगा कि यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, यहां पर इसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है, ये जो है इसकी आज की डेट की वैल्यू क्या है, या ईयर वन की वैल्यू क्या है, जो तीसरा साल है उसकी आज की डेट की वैल्यू क्या है, तो हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकालने हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड CFAT। डिस्काउंटेड CFAT कैसे निकलेगा, ईयर टू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जिसको हम बोल देते हैं, चलो मैं इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं, इसको मैं बोलता हूँ PV फैक्टर, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं ये टर्मिनोलॉजी, PV फैक्टर, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। उसके बाद क्या करोगे, जब क्यूमुलेटिव लोगे तो क्यूमुलेटिव अब CFAT का नहीं लोगे, CFAT की फॉर्म चेंज कर दिया हमने, अब क्या कर दिया, अब उसको डिस्काउंट कर दिया सर, तो यहां पर भी क्या लेगा, क्या लोगे आप, डिस्काउंटेड क्यूमुलेटिव CFAT। अब इसकी आप क्यूमुलेटिव लोगे, फिर उससे आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं, चलो जी। DPB तुलसियान लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी इज 1,90,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इज 10,000, यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी 5 years, सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज नील, टैक्स रेट 30%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड केस वन इफ द कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स आर 1 lakh पर एनम एंड द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स फॉर द 10% आर गिवन एज ईयर 1, 2, 3, 4, 5। तो केस ए करेंगे, केस बी में आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है जी।
तो केस ए हम लोग करेंगे, केस बी बिल्कुल सेम है, फ़र्क सिर्फ एक ही वर्ड का है। देखो कौन से वर्ड का फ़र्क है, पहले केस में दिया कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, दूसरे केस में दिया कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, सिर्फ यहीं पर फ़र्क है बस, और कोई फ़र्क नहीं है। और ये फ़र्क अब आप लोग समझ सकते हो अच्छे से, क्योंकि हम लोग पे बैक पीरियड कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब क्या करना है हमें, वो कहता है अब कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स दिए हैं। अब कैश फ्लोज अगर आफ्टर टैक्स दिए हैं हमें, CFAT दिया है कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, तो इसका मतलब है कि यहां पर वो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर चुका है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स दिए हैं तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट इसमें ऑलरेडी हो रखी है। तो डेप्रिसिएशन का पॉइंट खत्म हो गया यहां पर। चलो सॉल्यूशन ए पार्ट, तो हमने 5 साल लेने हैं, 1, 2, 3, 4 and 5। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें उसने CFAT दिया है कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स एवरी ईयर, इट इज 1 लाख रुपीज, 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। क्लियर है। अब वो कहता है कि यहां पर एक जीरो ईयर है, ठीक है, जहां पे मैंने कैश आउटफ्लो किया है। मैं इस जीरो पार्ट पर बैठा हूं, मैंने कहा मैंने आज कैश आउटफ्लो किया, और मैंने आज ही आइडेंटिफाई करना है कि कितने कैश इनफ्लोज होंगे, कितने साल में मेरा पैसा वो रिकवर होगा। मैंने कहा आइडेंटिफाई करना है इस पीरियड पे करना है, तो मैंने कहा चलो इस पीरियड पे करना है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। तो मैंने कहा इसकी आज की डेट की, अगर एक साल बाद मैंने कहा 1 लाख का कैश फ्लो होगा, तो उसकी आज की डेट की वैल्यू क्या होगी। तो पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिख लेता हूं, तो पहले मैं क्या लिख लेता हूं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्या है जो मुझे दे रखे हैं, ये वाले, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं पहले, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। सी ये चीज़ें आपको एग्जाम में दी गई होंगी, इसलिए इन चीज़ों पे दिमाग मत लगाना कि सर ये कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दी गई होंगी एग्जाम में, आपको हमेशा हमेशा क्वेश्चन में दिया गया होगा ये, ठीक है। 10% की तो ये वैल्यूज़ आपको वैसे ही क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगी, जब तक आप एग्ज़ाम दोगे आपको वैसे ही ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमने कहा डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लो जी। मैंने कहा 1 लाख रुपया, 1 साल बाद 1 लाख रुपया है, लेकिन उसकी आज की डेट में वैल्यू कुछ और होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है सर। अगर मेरे पास 1 रुपया 1 साल बाद है, तो मैं कहता हूँ कि आज मेरे पास वो कितना है, 90 पैसे हैं, वो 1 रुपया नहीं है। मैंने अभी सब्जी वाली एग्जाम्पल समझा दी, अगर 1 साल बाद वो 30 रुपये की है, तो आज वो 20 रुपये की है। 1 साल बाद का 30 रुपये की जो वैल्यू है, टुडे इट इज़ फॉर 20 रुपीज। तो ये कैसे निकालूंगा मैं, मैंने कहा आज की रेट की वैल्यूज़ निकालो, ये है 1, ये है 2, तो मैंने क्या किया, 1 × 2, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आई 90,900, 82,600, 75,100, 68,300, 62,100। इसका मतलब है कि अगर मैं ले रहा हूँ 2 साल बाद 1 लाख रुपया कमाया, तो आज की डेट के हिसाब से मैंने 82,600 कमाया, ना कि 1 लाख, क्योंकि आज की डेट में उसकी वैल्यू 82,600 है, ठीक है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो गए, तो क्यूमुलेटिव निकाल लोगे अब, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड CFAT। तो ये तो मेरे पास आएगा 90,900, फिर आएगा 1,73,500, 2,48,600, 3,16,900 एंड 3,79,000, ठीक है जी। तो ये आ गया क्यूमुलेटिव। अब आपके पास बताओ कैश आउटफ्लो कितना था, कैश आउटफ्लो कितना था, क्वेश्चन देख लेते हैं। परचेज प्राइस कितनी थी, 1,90,000 प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। क्या ये परचेज प्राइस का फॉर्म बनेंगे, क्या ये आपके कैश आउटफ्लोज हैं? सर बिल्कुल है,
क्योंकि मैंने ये स्पेसिफिकली आपको चीज़ लिखवाई थी, आपको समझाई थी कि जो भी एक्सपेंसेस जब तक हमारा एसेट वर्किंग में नहीं आ जाता तब तक जितने एक्सपेंसेस होंगे वो हमारी सब परचेज प्राइस का पार्ट बनेंगे, हमारी कैश आउटफ्लो का पार्ट बनेंगे। तो कैश आउटफ्लो टोटल कितना है, 1,90,000 प्लस 10,000, दैट इज 2 लाख रुपीज़। 1,90,000 प्लस 10,000 आर द इंस्टॉलेशन चार्जेस, सो दिस कम्स टू 2 लाख रुपीज़। क्लियर? अब बताओ ये 2 लाख रुपए कहां पर रिकवर हो रहे हैं? अगर तो हम यहां पर CFAT लेते तो वो 2 साल में रिकवर हो गए थे सर पैसे, क्या अब 2 साल में हो रहे हैं? अभी 2 साल में नहीं हो रहे। क्यों? 2 साल से कुछ टाइम ज्यादा लग रहा है। कहां पर रिकवर हो रहे हैं सर? यहां पर जाकर रिकवर हो रहे हैं वो पैसे कहीं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? पहले तो ये थे कि जहां पर इक्वल कैश फ्लोज था, जब इसको आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा दिया तब वो क्या बन गए? अनइक्वल कैश फ्लोज बन गए। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है, जब आप डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड की बात करोगे तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में आपके पास हमेशा अनइक्वल कैश फ्लोज ही होंगे, क्योंकि हर ईयर की डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग है, हर ईयर का PV फैक्टर अलग है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हर ईयर का अलग है, तो आपके पास हमेशा क्या आएगा? अनइक्वल कैश फ्लोज आएंगे। तो अब यहां से आप डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैसे निकाल सकते हो, ये अब आपको पता है जी। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हमने कहा कितने साल में कुछ पैसा रिकवर हुआ? 2 साल में। ठीक है, कितना रिकवर करना था आपको? 2 लाख। 2 साल में कितना रिकवर हो गया? 1,73,500। तो ये बाकी बचा जो रिकवर करना है, कौन से साल में? तीसरे साल में। तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है आपका? अब बताओ तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए? नहीं सर, 75,100 है, हम उसको डिस्काउंट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो तीसरे साल का मेरे पास क्या आ रहा है? 75,100। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 2.353 years। देखो फॉर्मूला वही है हमारे पास, सिर्फ फर्क क्या आया, हमने उसकी आज की डेट की वैल्यू, क्योंकि हम जीरो पीरियड पे बैठे हैं जब कैश आउटफ्लोस किए हैं हमने, और वहीं पर हम जो एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कितने पीरियड में वो पैसा वापस आएगा, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमें आज की डेट की वैल्यू चाहिए। कल 1 लाख रुपया मान लिया, लेकिन आज नहीं, मैं उसको मानता कि उस 1 लाख की आज भी वैल्यू 1 लाख है, आज उसकी वैल्यू कुछ और है। ठीक है, कल को इन्फ्लेशन होगी तो 1 लाख रुपया पहुंच जाएगी वैल्यू, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू कुछ और है, आज की डेट में 1 लाख रुपया नहीं है वो वैल्यू, दैट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्लियर है? तो ये डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, इसका जो बी पार्ट है, उसने कहा कैश फ्लोज बिफोर टैक्स। अब ये जो कैश फ्लोज हैं बिफोर टैक्स दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर, जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी क्वेश्चन की, कैसे आपको डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर डेप्रिसिएशन एड बैक करनी है, तब जाकर आपके पास CFAT आएगा, फिर उसकी डिस्काउंटिंग करोगे, फिर उसको क्यूमुलेटिव करोगे। ठीक है, अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। इसका आंसर आपके पास आएगा इसका जो आंसर है वो आएगा 2.937 years। ठीक है, सिर्फ बिफोर टैक्स का क्या है, आपको डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लेके अर्निंग्स निकालनी होंगी, स्टेटमेंट ऑफ CFAT जो अभी तक बना रहे थे वही बनानी है, लेकिन बस करना क्या है, CFAT निकालने के बाद उसकी डिस्काउंटिंग करनी है, बस ये याद रखना। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझा डिस्काउंट वाला, ये कॉन्सेप्ट अब नहीं भूलना आप लोगों ने, क्योंकि अगले आने वाले सभी लेक्चर्स में हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। राइट, सो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द न्यू टेक्निक, दैट इज द NPV टेक्निक, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, NPV टेक्निक। राइट, सो विल बी डूइंग दिस NPV टेक्निक इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल टेक अबाउट 2 to 3 lectures for this. We'll be solving some good practical problems on this also. ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास कई केस बनते हैं, कई चीज़ें बनती हैं NPV के ऊपर, so we'll take time on solving the NPV. So if you have any queries friends, please feel free to send me an email at ksjteaching@gmail.com, and you can visit the website for the awesome study material that we have already have for the cost accounting, financial management is in process, right? So these study material is definitely going to help you
इन योर प्रेपरेशंस हैव बीन प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर यू पीपल ओनली एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द टेलीग्राम ऐप ऑल्सो. द लिंक आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.